वेगवेगळा विषयांबद्दल वेगवेगळा स्वामीजी लोकांच्या अमृतवाणीतून आलेला धर्म संदेश श्रवण करीत आलेले आहोत। खरोखर म्हणजे हे एक दोन दिवसाचे कार्यक्रम नसून पूर्ण चार महिन्यापर्यंत होणारे कार्यक्रम आहेत। अत्यंत भाग्यवान आहोत ज्यांनी ज्ञान समुपार्जन करण्याची विचार करतात, ज्या लोकांना धर्माची अभिमान असणार, ज्या लोकांनी धार्मिक जीवन जगत असाल त्या लोकांसाठी ही मोठा वरदान समान आहे की आपल्याला काशी जगद्गुरु महास्वामीजींनी एक अत्यंत आगळा वेगळा कार्यक्रम आणि सुदीर्घ कालापर्यंत आपण ज्ञान समुपार्जन करण्याची एक संधी आपल्याला महास्वामीजींकडून उपलब्ध झालेला आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये सेवा करण्याची संधी आम्हालाही मिळाली आहे आणि आमच्या बरोबर अनेक महाराज लोकांनाही मिळाली आहे, की जेणेकरून आपल्या अनुभव ज्ञानाची दासोह दान करण्याची एक विशिष्ट संधी मिळाली आहे। आम्ही हिंदी मधून बोलण्याची प्रयत्न करतो कारण हिंदी जास्तीत जास्त लोक समजू शकतात। अनेक लोकांना हिंदी भाषा माध्यमातून जर सांगितलं तर त्यांनाही याची उपयोगिता होईल। म्हणून हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक सर्व प्रांतातील लोक शक्यतो हिंदी समजतात। आणि या ऑनलाइन द्वारे आपल्याला काशीपीठाच्या माध्यमातून गेले एक वर्षापेक्षाही जास्त झाले भरपूर ज्ञान समुपार्जन करण्याची संधी वेगवेगळ्या कार्यक्रमा माध्यमातून आपल्याला मिळत आहे। त्यामध्ये प्रमुखतः हे ज्ञान महाकुंभ चातुर्मास्य निमित्ताने सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहेत। लिंग, वयो इत्यादी कुठलेही भेद न ठेवता सर्वांना कार्यक्रमाची परिपूर्ण लाभ घेण्यासारखा कार्यक्रम म्हणजे विशिष्ट रूपाने ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमामध्ये कधीच कुठलेही कारण असले तरी अत्यंत निस्वार्थपणे समयपालन करीता समय पालन करते हुए निस्वार्थ रूप से सेवा संपन्न कर रहे सुभाष जी, श्रद्धा जी, ये दोनों दंपति अत्यंत पवित्र मन से शुद्ध अंतःकरण से सेवा समर्पण कर रहे हैं। वो कभी दिखते नहीं है, पीछे रह करके ही अपना कार्य सेवा संपन्न करते हैं। उनका मन में केवल उनको एक ही इच्छा रहता है, एक ही उनका कामना रहता है, सेवा से मेवा मिलने का कोई भी उनका इच्छा नहीं है। सेवा ही फल रूप में फिर हमें सेवा करने की मौका मिले, यही उनका इच्छा रहता है। ऐसी श्रेष्ठ अंतरंग शुद्धि से सेवा समर्पण करने वाले दंपति, चौक वाले दंपति और अनेक महाराज लोग जगतगुरु महास्वामी जी के आज्ञा के पालन करते हुए, स्वयं की हमारी विनंती को मान देते हुए समय लेकर सभी श्रोत्रगण भक्तगणों की भविष्य की उन्नति के लिए अपना अनुभव, शास्त्र ज्ञान, पांडित्य को सरल सुलभ करके भक्तों के लिए ज्ञान दान कर रहे हैं, ऐसे अनेक परम पूज्यों को भी अनंत अनंत भक्तिपूर्वक नमस्कार। क्योंकि वे महाराज लोग अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी समय दे करके ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सेवा, एक दिवसीय असो या अनेक दिवसीय असो, कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही आनंद व्यक्त करते हैं। तो आज की विचारधारा में हम लोग
अभी तक बहुत सारे प्रकार के विचारों को हम लोग श्रवण किए हैं, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, हिंदी, और उनमें से वीरशैव धार्मिक परंपरानुगत शास्त्रोक्त पद्धति से शिवाद्वैत विद्या को संग्रह करने की और उस आचार पद्धतियों के बारे में अष्टावर्ण हो, पंच आचार हो या षट स्थल हो, इन सभी के बारे में कोई ना कोई महाराज जी हमें मार्गदर्शन किए ही है। और उन मार्गदर्शन के कारण बहुत सारे लोग वो श्रेष्ठ धर्म की पालन भी कर रहे हैं। मनुष्य अपना जीवन में तीन विषयों को संपादन करने के लिए अपना जीवन में ज्यादातर ज्यादा समय निकालता है, और ज्यादातर समय, शक्ति, ज्ञान, धन क्या संपादन करने के लिए हमें बिताना चाहिए, शास्त्र में क्या कहा है, उसे छोड़ करके बाकी तीन चीजों के लिए उन्होंने अपना व्यय, शक्ति, युक्ति, आर्थिक सब कुछ उपयोग करके शास्त्र में जिन चीजों के लिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए ऐसा कहा है, उन्हीं चीजों के संपादन में लगे रहते हैं। व्यक्ति वह कोई भी हो, सभी लोगों को सुखापेक्षा आनंद की ही अपेक्षा रहती है। कोई भी नहीं चाहते हैं मैं दुखी हो जाओ, सभी लोगों को सुख आनंद ही चाहते हैं सभी लोग। इसलिए लोग क्या करते हैं, आनंद हमें व्यक्ति से, वस्तु से, क्या नाम पदवी से मिलेगा करके तीन वस्तु के लिए व्यक्ति हमेशा त्रिकाल विचार करते रहते हैं, सुबह, दोपहर, रात में यही विचार रहता है। तो तीन चीज क्या है, एक है कामिनी, दूसरा है कांचन, तीसरा है कीर्ति। कोई भी व्यक्ति रहे, सामान्य व्यक्ति रहे या विशेष व्यक्ति रहे, सभी लोग इन तीन चीजों की संपादन संग्रह के लिए ही, इन तीनों को हम संग्रह करने से ही हमें आनंद प्राप्त होगा ऐसा समझ करके व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इन तीनों चीजों को संपादन करने में ही लगे रहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, हमसे जो पहले बड़े होकर के गए हैं, वे लोग भी यही किए हैं, इसलिए वे लोग आनंद रहे हैं, पूर्व अनुभव में इसी से आनंद मिली है, तो हमें भी यही करना चाहिए, तभी हम आनंदी रह पाएंगे, ऐसा सोच करके, विचार करके। स्त्री की संपादन में, यानी स्त्री की संगम में या स्त्री पुरुष की संगम में, कुमार अवस्था से लेकर के यौवनावस्था तक यही विचारों में फंस जाते हैं विद्यार्थी व विद्यार्थिनी। उनके उस वय में उन्होंने स्त्री या पुरुष के बारे में न सोचते विद्यार्जन में यदि मन लगाया तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, इसे भूल करके स्त्री या पुरुष के विचारों में, उनसे परिचयों में, उनकी सान्निध्य में ज्यादातर समय, प्रयत्न, विद्या, बुद्धि, धन को व्यतीत करता है।
व्यय करके उन्होंने स्त्री या पुरुष की संगम की लालच में व्यक्ति जो है, मानव जो है, अपना अत्यंत श्रेष्ठ यौवन को, अत्यंत श्रेष्ठ सुदृढ़ बल को, अत्यंत श्रेष्ठ इंद्रिय बल को, मन की ताकत को व्यय कर डालता है, खर्च कर डालता है। मगर जब वह व्यक्ति कामिनी की यानी अपना कामवांछा को पूर्ण करने की व्यक्ति की संगम के लिए अमूल्य अद्भुत अमृत समान ऐसा श्रेष्ठ अपना जीवन को खर्च कर डालता है और वहां जाकर के देखें तो उन्हें सुख के से भी ज्यादा दुख ही उपलब्ध होता है। वस्तुतः देखें तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आनंद या सुख दे नहीं सकता है। किसी इंद्रिय से हम सुख को या आनंद को हम ले नहीं सकते। आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, इसे भूल करके किसी व्यक्ति के कारण मुझे आनंद मिल रही है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। यदि वैसा व्यक्ति के कारण आनंद मिलता तो वह आनंद क्षणिक नहीं होता था। आनंद का स्वरूप ही है हमेशा मिला लेना। जो दीर्घकालीन पर्यंत मिलता है वही आनंद कहलाता है। जो क्षणिक काल जो वस्तुजन्य मिलता है उसे आनंद नहीं कहा जाता है। तो एक व्यक्ति बहुत स्त्री की मोह से रहता था। उन्होंने अपना जीवन में उस स्त्री के मोह में रह करके ही अपना विद्या को बर्बाद कर लिया। गांव में अच्छा सा नाम था उसको भी बर्बाद कर लिया। और उनके बहुत अच्छे मित्रगण थे वो भी दूर हो गए और उनका बुद्धि भी खराब हो चुका था। इतना ही नहीं, सब कुछ सर्वनाश के कारण उन्होंने अधमाधम गति को प्राप्त कर लिया। आज हम लोग समाज में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, व्यक्ति की आकर्षण से ही उनका विद्या, व्यवस्था, बुद्धि, आर्थिक शक्ति और कीर्ति प्रतिष्ठादि सब भंग हो रहा है। व्यक्ति का आकर्षण जो है ये अच्छा नहीं होता है, ये मनुष्य को पतन की मार्ग में ही ले जाती है। इसलिए कहते हैं परस्त्री माता समान दिखना चाहिए, हमारी मातृ देवता के समान। परस्त्री सभी लोग मातृ देवता ही है, इस भावना से जो व्यक्ति देखता है, ऐसी नजरिया जिनके अंदर रहते हैं वही व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। उन्हीं को आनंद जो है प्राप्त होने की संभावनाएं है। परस्त्री को जो व्यक्ति माता समान नहीं देख सकता है वह व्यक्ति दरिद्रता को, अनारोग्यता को और अशाश्वतीय क्षणिक सुख में फंस करके अत्यंत दुष्ट, दुर्भर, दुखप्राय स्थिति में चले जाता है। ऐसे विषय आसक्ति में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्षणिक सुख मिलेगा और समुद्र इतना बड़ा दुख मिलेगा, दुख समुद्र में गिर जाएगा वहां व्यक्ति। तो ये गांव में एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार था,
गांव में उनके नाम सुनकर के बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। ऐसे श्रेष्ठ दान वाले, श्रेष्ठ गुण वाले, श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान व्यक्ति था वह व्यक्ति, मगर उनके पास एक दुर्गुण था, वह है स्त्री संगम आसक्ति। उन्होंने बहुत कुछ बार प्रयत्न किए, फिर भी वह व्यक्ति उस दुर्गुण को दूर कर नहीं पाया। बहुत पैसा है, बहुत अच्छे सेवक लोग भी हैं, क्या कम है। तो वह व्यक्ति एक दिन एक कार्यक्रम के लिए गया था। वहां पर एक परस्त्री का मोह उन्हें हो गया था। गरीब घर के स्त्री था और उनके घर में कोई बड़े लोग नहीं थे। वह व्यक्ति अकेला ही अपना पत्नी के साथ रहता था। वह व्यक्ति मर गया था और ये स्त्री अकेला हो गई, विधवा स्त्री हो गई, और ज्यादा उनका उम्र भी नहीं था, वो भी यवनावस्था में ही थी। तो ऐसे स्त्री को, ऐसे सुंदरवती स्त्री को देख करके इनके मन में एक मोह भावना, काम वांछना उत्पन्न हो गया था। कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जिनके मन में विचारों में काम आतुरता बढ़ जाती है, उन व्यक्ति के दो लक्षण पहचान में आते हैं। एक है न भयम, उनके मन में भय नहीं रहता है, और न लज्जा, उनको कोई लज्जास्पद गुण उनके पास नहीं रहता है। यानी काम से भर गया हुआ व्यक्ति को भय और लज्जा नहीं होता है। तो वह व्यक्ति क्या किया, निर्भय से जाकर के उस विधवा स्त्री से, नवयवनवती उस कन्या, वो जो गृहस्थी थे, वो माता के साथ पूछा है, आप को मैं बहुत ही प्रेम कर रहा हूं, आप मुझे सर्व समर्पण कर दीजिए। वो अबला स्त्री थे, अकेले ही थे, उनके लिए कोई नहीं था, वो अकेला जो भी काम मिलता है उससे करके रहती थी, उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तो उन्होंने बहुत भी भय से दुखी हो गई है और डर गई है, मगर इस व्यक्ति को हमें, इनसे मुझे खुद को मेरा रक्षण करना है, मगर मैं कैसा कर पाऊंगा, ये आशाश्वदीय क्षुल्लक शरीर के बारे में उनको मोह हो गया है, उन्हें ये शरीर सुंदर दिख रही है। वो जो स्त्री था, स्त्री थी, वो बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, उन्हें शास्त्र का ज्ञान भी था, वो अज्ञानी नहीं थे। उन्हें जो ज्ञान था उस ज्ञान को वह जमींदार व्यक्ति को भी पढ़ाना था, ऐसी भावना से वह स्त्री ऐसी विचार किया था, इन्हें मैं यदि ना कहता तो मुझे इन्होंने बहुत सताता है और मुझे दुख देगा, और उससे मेरा भी संकल्प सिद्धि नहीं होगा कि इनको ज्ञान सिखाना है, इनको पाठ पढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया था, इस व्यक्ति को होकर दे दिया है, अमुक अमुक समय पर, अमुक अमुक दिन पे आप आ जाइए करके, एक 10 दिन के बाद उनको बुलाइए। ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया है कि मुझे इतना शीघ्र से ये होकर देगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था, शायद मेरे ऐश्वर्य को,
मेरे नाम को, मेरे रूप को देखकर के ये भी मोह हो गया है, मुझे 10 दिन के बाद बुलाई है। उनकी इतना सुंदरता था, उनकी सुंदरता में ये 10 दिन उन्हीं के बारे में विचार करते हुए दिन बीत रहा था। वो वे जो स्त्री थी उनको अपना सुंदरत्व की मोह से जो फंस गया है, उस जमींदार को उनकी अज्ञानता को दूर करने की रचना वो कर रही थी, पुण्यवती स्त्री। बहुत कम लोग ऐसे विचार करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ स्त्री थे। और वहां स्त्री 10 दिन के बाद उनको जिस दिन बुलाया था, उस दिन से पहले 2 दिन वो डिसेंट होने के लिए बहुत टैबलेट्स खा लिया है। देह यानी क्या है? देह यानी कुछ नहीं है, देह यानी मल, मूत्र, रक्त, मांस, संघात। देह में क्या है? देह में क्या है बोले तो, देह में यही है, हड्डियां हैं, गंधभूयिष्ट रक्त है, मांस है, मल है, इत्यादि को छोड़ करके इस देह में और कुछ भी नहीं है। ऐसी देह के ऊपर परमात्मा ने सुंदर सा कोटिंग लगा दिया है, ये मांस, मज्जा, मेधा, रक्त, पू इत्यादि नहीं दिखना चाहिए करके उन्होंने एक चर्म की रचना करके इसके ऊपर लगा दिया है। और इसे काला या छाया या श्वेत वर्ण दे दिया है। इस चर्म को देख करके मोहित हो जाते हैं व्यक्ति। चर्म यह जब ढीला हो जाएगा तब कोई मोहित होते नहीं, चर्म जब चमकती रहती है तब मोहित हो जाते हैं। मगर व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होता है, कामातुर व्यक्ति को, इस देह के अंदर क्या है, बहुत ही गंदा है, इतना गंदा है, वह गंदा हमें कभी भी लेने के लिए इच्छा नहीं होता। शास्त्रकारों ने बहुत ही कठिन शब्दों को उपयोग करते हुए देह की सत्यता को बताते हैं। यदि देह में रहने वाला आपका मुख है, आपका मुख में जो जीभ है, ये जीभ के ऊपर आने वाला जो रस है, वह रस जब तक आपके मुंह में रहता है तब तक आपको अच्छा लगता है। जब वह रस आप हाथ से यदि स्पर्श कर लिया तो वह मलिन हो जाता है, हाथ मलिन हो जाता है, तो आपको झूठे हाथ से कोई वस्तु को स्पर्श करने के अधिकार नहीं रहती, आपको हाथ धोना पड़ता है। क्यों जी? जब तक आपका शरीर के साथ था तब तक आपको मलिन नहीं लग रहा था, जब आपका मुंह से वो लाल जो है बाहर आ गया तो आप उसको स्पर्श नहीं कर पाते। आपका मुंह में जब तक था तब तक वो ठीक था, जब आप बाहर फेंकते हैं, उसे थूकते हैं, बाद में उस पदार्थ को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसे फिर वापस नहीं ले सकते। सुनने में भी बहुत कठोर लग रहा होगा। आप विचार कीजिए, इस जो लार है, ये जो लाला जल है मुख में, इस लाला जल को महत्व कहां से मिली है? छोटा सा विचार कीजिए आप, कहां से मिली है? मतलब ये आत्मा के साथ है, इसलिए इस लार को भी, इस लाला जल को भी महत्व मिली। आप कौन सा भी भगवान का प्रसाद लाइए,
वह प्रसाद कितना भी पवित्र होने दीजिए, जब तक वह प्रसाद वह तीर्थ आपका इस लाला जल से संयोग नहीं होगा, तब तक वह पदार्थ प्रसाद आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, उसको महत्व ही नहीं मिलेगा। आपको अंदर लेना है तो इसी जिह्वा के ऊपर ही लगा करके उस लाला जल से संयोग होकर के ही वह पचन हो सकती है। यानी इतना वैशिष्ट उस लाला जल को कहां से मिली है, यानी वो अंदर रहने वाला आत्मा के साथ है तभी उसको महत्वता है। जब वो इस शरीर से यानी इस आत्मा से बाहर निकलेगी, नीचे गिरेगी या किधर भी गिरेगी, फिर आप उसको टच भी नहीं करेंगे, आप उसको फिर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मल समान। ऐसे देह में एक हम उदाहरणार्थ ये लाला जल को लिए हैं, और बहुत सारे प्रकार के रस रसायन मल इत्यादि बहुत सारे हैं इस देह में। आप लोग ही विचार कीजिए, वो सब देह में क्या है? मल को छोड़ करके देह नहीं है, मल है तभी यह देह है। देह याने मल, मल याने देह, ऐसी मल भूयिष्ठ संघात इस शरीर के ऊपर क्यों मोह हो रहा है? ये मोह क्यों हो रहा है? ये अज्ञान के कारण हो रहा है। एक सुभाषितकार ने अपना विचारों में व्यक्त करते हैं, हे परमात्मा आप कितना कृपावंत है, आप कितना दयावंत है, हमारे मानवों के लिए हमारे जीवियों के लिए आप कितना कुछ कर बैठे हैं। सही में आपके इतना बड़ा दिल किसी के पास नहीं रहता है करके वो प्रार्थना करते। उनमें से एक परमात्मा ने हमारे लिए दिया हुआ एक विशिष्ट दया को वो गुणगान करते हैं। परमात्मा कैसे हमारे ऊपर दया दिखाई है, हमारे जो शरीर के ऊपर जो चमड़ा है चर्म, इसे देकर के बहुत बड़ा उपकार किया है भगवंत ने, परमात्मा। यदि आप लोग सोचिए, वो कहते हैं उनके विचारों में, हमारे शरीर के अंदर रहने वाला वस्तु को बाहर करके, बाहर रहने वाला ये चमड़ा को यदि अंदर करता था, निर्माण वैसा करता था परमात्मा ने, तो कितना बड़ा दुखी हो जाते थे हम लोग। सब अंदर रहने वाला बाहर, बाहर रहने वाला अंदर कर दिया, तो कितना दुखी होंगे हम लोग, विचार कीजिए आप लोग। तो वो कहते हैं 24 आवर्स और मरण के समय तक एक ही काम करके बैठते थे हम लोग। मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए कुछ हाथों में लेकर के कुछ मांस रस इंद्रिय रक्त इत्यादि पीने के लिए जो आते हैं ना कीट आदि, उसको भगाने के लिए उधर इधर मारते ही बैठेंगे हम लोग 24 आवर्स मरण तक। और कौवा कुत्ता इत्यादि आकर के हमारे मांस कंडरादियों को खाने के लिए आते हैं ना पक्षी, उसको भगाने के लिए लकड़ी पकड़ के एक हाथ में इधर मक्खियों को उड़ाने के लिए और एक हाथ से कुत्ता कौवा आदियों को मारने के लिए ही हमारा समय पूरा उसी में चले जाता था। कुछ कमाना, कुछ खाना, कुछ बांधना, कुछ बड़ा कुछ करने के लिए समय ही नहीं रहता था, इसी में हमारा पूरा समय चले जाता था। हे परमात्मा, ये सब सहजों सहजी हमारी रक्षा होने के लिए आप उस सब को अंदर रख करके ऊपर से सुंदर ऐसा प्लास्टरिंग जो है आप कर दिए हैं गिलावा, और इसको अच्छा से पेंटिंग भी मार दिए हैं। हे परमात्मा, आपके इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है, आप हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किए हैं करके वह सुभाषितकार व्यक्त करते हैं। याने वो सत्य कह रहे हैं। आप लोग अनुभव कर चुके होंगे, जब बाल्यपना में या कभी एक्सीडेंट हुआ होगा तो
पैर में या हाथों में किधर भी कुछ लग गया तो आपका चर्मकट होने के बाद मांस बाहर आता है और रक्त इत्यादि वहां से निकलता है। तुरंत आप उसको बंद करते हैं, यदि बंद नहीं किए तो उसी क्षण में वह रक्त की वासना से मक्खियां इत्यादि जो है उसे पीने के लिए या उसे खाने के लिए आ जाते हैं। नहीं तो आपका यह घाव जो है ये भरता नहीं है, उसको आपको तुरंत त्याग करना पड़ता है। यानी छोटा सा चोटिल लगने के बाद हम लोग जो है इतना दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। शुगर इत्यादि रहेगा तो बहुत बड़ा ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और परमात्मा जो है यदि अंदर का बाहर कर दिया तो कितना बड़ा दुख हुआ होगा, होता होगा, ये हम लोग सोचना चाहिए। इतना बड़ा वरदान रूप से हमें परमात्मा दिया है। मल भूयिष्ठ, मांस भूयिष्ठ, रक्त भूयिष्ठ, देह को देख करके वह जमींदार जो है मोह हो गया है, मैं इस चर्म को, मांस को, इस शरीर को कैसा अंधविहीन बनूंगा करके वो विचार करके वो विधवा स्त्री ने क्या किया था, उनको जिस दिन बुलाया था उससे दो दिन पहले उन्होंने अपने शरीर में जो देख करके ये इतना मोहित हो गया होगा उसी को दिखाऊंगा इनको करके उन्होंने डिसेंट्री होने का टैबलेट्स बहुत खा लिया है, प्रमाण से भी ज्यादा। दो दिन कम से कम 40 बार उन्होंने डिसेंट्री कर लिया और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हुआ तो ही हमारे शरीर में रहने वाला सब मल बाहर चला जाता है और हमारे नेत्र जो है बंद हो जाते हैं, बोलने के लिए भी शक्ति नहीं रहती, उठना भी नहीं, बैठना भी नहीं, सोते भी नहीं और उठते भी नहीं, ऐसा अवस्था हो जाते हैं, शक्ति विहीन हो जाता है व्यक्ति। मल चल गया तो शक्ति विहीन हो जाता है। ऐसी उन्होंने दो दिन में बहुत बार विरोचनादियों को करके अपना शरीर को निस्तेज कर लिया है और पलंग पे गिर गई है, अशक्त हो गई है। वह व्यक्ति आ गया है दो दिन के बाद। यह स्त्री बहुत बड़ा वैराग्य मूर्ति था, यह स्त्री सामान्य स्त्री नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानवान स्त्री था और इन्होंने, इनको गुण पाठ सिखाना है, इनको पाठ सिखाना है, इनको ज्ञान सिखाना है करके सब मल इकट्ठा करके बंद करके एक पेटी में रखी थी और उनके लिए ही रखी थी, उनको गुण पाठ सिखाना है करके। अशक्त होकर के पलंग पे सोया हुआ उस स्त्री को रात में यह व्यक्ति संगम करने के लिए आ गया है और आकर के उनको उठाते हैं, उनको देखते हैं तो ये बहुत आश्चर्य हो जाता है और बहुत दुखी हो जाते हैं। जिस दिन मैं तुम्हें देखा था उस दिन का तेरा चेहरे में और आज के दिन का तेरे चेहरे में वो जो चमक था वो कहां चला गया, वो जो सौंदर्य था वो आज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ये क्यों ऐसा हुआ है, कहां चला गया जरा सौंदर्य, ऐसा उन्होंने पूछने लगा। उनको देख करके इनके मन में बहुत हेय भाव आ गया है, कितना गंदा दिख रही है ये लड़की, कितना कुरूपी हो गई है ये, ऐसे मन में है मगर ऊपर से तुम्हें क्या हो गया करके पूछ रहा है। उनको चाहिए था सुंदरता, वो सुंदरता को अनुभव करने के लिए ही आया है। तो वह स्त्री बताती है
मेरा सुंदरता को मैंने खराब नहीं होना चाहिए करके तुम्हार को अर्पण करने के लिए मैं उस पेटी में बांध के रखा हूं, उसमें मेरा सुंदरता है, जाओ देख लो करके बताती है। तब जाकर के व्यक्ति जो है सुंदरता को पेटी में रखा है, ऐसा कभी होता है, करके जाकर के देखता है। देखने के बाद दो दिन का जो कुछ भी कटा करके रखा था वो सब देख करके उनका जो काम दृष्टि था, जो काम वांछा था, वो सब उड़ जाता है और वह व्यक्ति इतना समझदार बन जाता है। ये जो विधवा स्त्री थी ये बताती है, देखो ये सब मेरा शरीर में था, ये मैं बाहर ला करके दिखाया हूं तेरे लिए, इसी को देख करके तुमने जो है मोह हुआ था, अब ले लो कितना चाहिए उतना। ऐसा बताया सत्य को कठोर शब्दों से, तब वह व्यक्ति रोते रोते हुए मुझे जो जितना दिन से मैं प्रयत्न कर रहा था इस काम दृष्टि से मैं बाहर पड़ने के लिए, मगर आज तेरे वजह से मैं वैराग्य बन गई हूं, मुझे अभी कभी भी किसी का भी शरीर देख करके मुझे मोह नहीं होगा, आप मेरा माता के समान है करके उन्होंने साष्टांग दंडवत करके उनकी आरोग्य की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी एक कथा आता है, यानी कहने का तात्पर्य है मनुष्य कामिनी कांचन या कीर्ति की लालसा से अपना सब कुछ समर्पण कर देता है इन तीनों को प्राप्त करने के लिए। उनमें से जो देह की आकर्षण है ये पुरुष का होगा या स्त्री का होगा, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, मगर ये देह की आकर्षण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी देह की आकर्षण में पढ़ करके अपना ज्ञान धन समय इत्यादि व्यर्थ कोई भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए महारामायण इत्यादि इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ है महाभारत इत्यादि महाकांड इसलिए हुआ है, व्यक्ति अपना वस्तु को अपना व्यक्ति को छोड़ करके और दूसरों की वस्तु व्यक्ति के ऊपर जब आकर्षण हो जाता है, जब चाहने लगता है, तभी उनका पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए परस्त्री को कभी भी बुरा नजर से नहीं देखना है, वो अपना जननी है, अपना माता है, आदि शक्ति स्वरूपिणी है, ऐसी भावना जिस व्यक्ति के अंदर आता है वही व्यक्ति सुख आनंद भोग सकता है। इसलिए शरीर जो है यह मल संजात है, मल से बनी है और इसमें मल ही है और यहाँ मल ही है, इसलिए जब इस शरीर से आत्मा निकल जाता है वो करोड़ों पति का भी शरीर हो वह रोज 6 बार स्नान करके भी रहने दो, कितना भी नीटनेस मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति हो, जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है तब इस शरीर को ज्यादा देर कोई सहन नहीं कर पाता है। कोई अपना घर में उस शरीर को 2-3-4-5-6-10 दिन नहीं रख पाता है। जब तक आत्मा है, जब तक शिव है, तब तक वह शरीर सुंदर दिखता है, वह शरीर को सब कुछ देता है, सब कुछ होता है। जिस क्षण उसमें से वो निकल जाएगा तब इसमें मल ही मल है, इसे कोई अपनाता नहीं है, अपना धर्म पत्नी ही अपनाता नहीं है। 40-40 वर्ष आपके संगिनी जो है अर्धनारीश्वरी वही आपको नहीं रखती है और आपको सर्व कुछ समर्पण करके आपके साथ जो 40-40 वर्ष आपको देखने वाला आपका पति भी आपका उस शरीर को नहीं रखता है, गर्मी आपका सब कुछ आप जिनके लिए समर्पण गए वो बच्चे भी आपको नहीं रखते।
आपका मित्र नहीं रखते हैं, आपका कोई भी उस शरीर को नहीं रखते, क्योंकि वो अब शरीर नहीं है, अब आप नहीं है, अभी वहां शव है। शव जब तक शिव था तब तक आप था, यानी आप ही शिव है, शिव ही आप है, इसलिए वह व्यक्ति इस शरीर को छोड़ के चले गए, ऐसा बोलते हैं। बोरा भर के रखा है धान्य से, तब वो बैठ सकता है, उठ सकता है, सब कुछ कर सकता है स्थिर से, मगर उस बोरा में धान्य सब कुछ रिकाम कर दिए तो वह बोरा को आप खड़े नहीं कर सकते, वह बोरा गिर जाता है। वैसा शिव जब चले जाता है तब यह शरीर बैठ भी नहीं सकता, ऐसा वैसा नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, यानी शिव है इसलिए सब कुछ है। ऐसी अशाश्वतीय और एक क्षण में भी एक जैसा नहीं रहता, अभी जैसा है वैसा एक क्षण के बाद नहीं रहता यह शरीर, ये हमेशा चेंज होता रहता है। शीर्यते इति शरीरः, यानी हमेशा इसमें करोड़ों अणु मर जाते हैं, ये बहुत बड़ा स्मशान है ये शरीर, करोड़ों अणु कृमि बैक्टीरिया मर जाते हैं और जन्म लेते हैं, इतना बड़ा महास्मशान है ये शरीर, इतना बड़ा मल संघात है ये शरीर। ऐसे शरीरों को देख करके कोई भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए, पंडित विद्वान ज्ञानी लोग कभी मोह में नहीं पड़ते हैं शरीर को देख, इसलिए वे आनंद रह सकते हैं, इसलिए वे सदा आनंद से रहते हैं। तो स्त्री मोह जो है, कामिनी वांछा जो है, ये छोड़ना चाहिए हम लोग आनंद रहने के लिए, यानी शरीर की मोह भावना को छोड़ना चाहिए। दूसरा है कांचन प्रिय, मनुष्य जो है कांचन प्रिय, यानी सोना धातु बंगारम या पैसा हिरण्य इत्यादियों को संग्रह करने में बहुत प्रयास करता रहता है, यानी पैसा एक हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है ऐसा सोचते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक हिंदी सुभाषितकार कहते हैं, पैसा में परमात्मा है, पैसा एक है तो सारा जग हमारे पास है, ऐसा सोचते हैं लोग, मगर ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहता है यदि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है ऐसा सोचते हैं तो ये मूर्खता है, पैसा है तो आप पलंग खरीद कर सकते हैं मगर नींद को नहीं खरीद कर सकते, पैसा है तो आप औषधियों को खरीद कर सकते हैं मगर आरोग्यता को नहीं, पैसा है तो आप लोगों को खरीद कर सकते हैं, सेवकों को खरीद कर सकते हैं मगर उनकी मन को जीत नहीं सकते, उनकी प्रेम को नहीं कमा सकते। पैसा है तो आप बहुत सारे वस्तुएं खरीद कर सकते हैं मगर उन वस्तुओं को सही तरीके से इस्तेमाल कैसा करना है ये ज्ञान को नहीं खरीद कर सकते। पैसा से आप सुख प्रदान करने वाले बहुत सारे वस्तुओं को संग्रह कर सकते हैं मगर आनंद को नहीं, पैसा है तो आप पिस्तौल को खरीद कर सकते हैं मगर हिम्मत को नहीं, यानी पैसा है सब कुछ आता है ऐसा सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ा गलती है, सब कुछ आता होगा मगर आपके पास जितना आनंद था वो सब चला जाता है पैसा से। पैसा से हम सुखी रह सकते हैं, पैसा से हम आनंदी रह सकते करके हैं, पैसा को कमाने में इतना कष्ट करते हैं, इतना कष्ट करते हैं मगर वह कष्ट से आपको पैसा के संग्रह में कभी भी आपको सुख नहीं रहता, संग्रह में सुख नहीं है, संपादन करते रक्षा करने में सुख नहीं है और उन पैसा को खर्च करते वक्त भी आपको सुख नहीं है। आए दुख
ये दुखम धिगर्ता कष्ट संश्रया। बुद्धिमान लोग कहते हैं पैसा आते वक्त भी आपको दुख देता है, पैसा जाते वक्त भी आपको दुख देती है। कैसा गुरु जी, हमें तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आप लोग कहते हो। आप ही विचार कीजिए, कोई भी अनायास से पैसा आता है क्या? पैसा किसी के पास भी अनायास से नहीं आता है। यदि अनायास से पैसा आया तो एक नंबर पैसा नहीं है, वो दो नंबर पैसा है। यदि ऐसा ब्लैक मनी उन्होंने कमाया तो उनको आगे जा करके जो है वह दुख प्रदान करने वाला विषय होता है। तो कष्ट करके पैसा कमाना पड़ता है। आप भोजन को छोड़ते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को कार्यक्रम में छोड़ते हैं, आप अपना संबंधों को छोड़ देते हैं, आप अपना व्यक्तियों को भी छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल करके पैसा की कमाई में जब डूब जाते हैं तब पैसा जो है इकट्ठा होता है। और इतना इकट्ठा होने के बाद वह रक्षण करने में भी बहुत दिक्कत यह है। बैंक में रखा तो उसको टैक्स भरना पड़ता है, वो टैक्स चला जाता है तो मन को दुखद होता है, तो वो किसी ना किसी को देते हैं तो वो आता है क्या नहीं, ये एक टेंशन होता है। और उस पैसा को आप लोग जो है कैसा भी करके छुपा देते हैं, यानी रक्षण कर लेते, संग्रह करके। और रक्षण करने के बाद रुकती नहीं है, आपको हमेशा दिक्कत देती रहती है, वो टेंशन देती रहती, आपको नींद नहीं आता, मैं जहां रखा हूं वहां है क्या नहीं, वो मुझे फिर वापस मिलेगा क्या नहीं, यही टेंशन रहता है। एक व्यक्ति जो है होटल का मैनेजर था, वो खुद का ही होटल था, वो 11-12 बजे तक होटल चलाता था, एक बोरा भर के पैसा लाता था, घर में आने के बाद घर वाले सब सो जाते थे और वह व्यक्ति जो है पैसा इकट्ठा करते हुए 2 बजे तक इकट्ठा करके सब हिसाब करके तिजोरी में रखता है और सड़ गया हुआ जो है खाना बनाया हुआ, वो ठंड हो गया हुआ थोड़ा सा खाना खा लेता है, कोई नहीं रहता भूत के जैसा, 2 बजे रात में खाते हैं तब उनको भूख लगता है, पैसा सब इकट्ठा करके रखने के बाद तब जो है खा लेता है और जाकर के थोड़ा सुकून से सो जाऊं करके सो जाता है। थोड़ा सा तिजोरी का बाजू में जो खिड़की था वो हवा के कारण इधर उधर होता है, इधर उधर हुआ शब्द इन्होंने सुन जाता है और सुन के भय से उठता है, कोई चोर तो नहीं आ गया मेरे तिजोरी को फोड़ के ले जाने के लिए पैसा, और घबराहट से जाकर के देखता है 2-3 बार हिला करके तो तिजोरी ठीक है करके फिर सो जाता है। तब तक 3-4 बज जाता है और घर में सब लोग उठते हैं अपना अपना कामों में, यानी उनका नींद कितना घंटा हो सकता है। सुबह फिर 7 बजे उनको होटल की चालू करने के लिए फिर जाना पड़ता है, यानी सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक इतना कष्ट करके जितना धन कमाया उनको कभी सुख हुआ है उस धन से? कमाते वक्त भी सुख नहीं है, रखने के बाद भी टेंशन है, और खर्च करते वक्त कुछ सुख है क्या? उन्हीं को रोग आ गया, उन्हीं ने उनका बच्चों से सहायता से हॉस्पिटल में जॉइन हो गया और वहां एक दिन को 1,00,000 रुपए बिल होगा बोले तो दुख हो रहा है उन्हें, इधर नको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, जहां 10-20 हजार खर्च हुआ होगा उसी हॉस्पिटल में ले जाओ करके बताता है। यानी खर्च करने में भी दुख होता है। किसी भी मॉल में आप चले जाइए, कितना ऑफर है वस्तु के ऊपर यही आप देखते हैं, देख करके ही आप कम पैसा वाले वस्तु को ही आप लेते हैं, यानी खर्च करने में भी दुख। ऐसा सभी दुखों का मूल धनम है, अर्थम है, पैसा। पैसा से कोई भी सुखी नहीं होता है। मगर ये भी एक पुरुषार्थों में एक है, तो ये पैसा हमें आनंद कैसा देगा? तो बताते हैं, पैसा आपको आनंद देना है
तो वो पैसा की रूप को आप बदला। कैसे बदलाओ? यानी सोना घर इत्यादि खरीद लें? नहीं नहीं, वैसा नहीं। पैसा को आप पुण्य के रूप में बदलाओ तो आपको वह पुण्य जो है आनंद प्रदान करेगा। यानी धार्मिक कार्यक्रम करो, जिस व्यक्ति को खाने के लिए नहीं है उस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ दे दो। जहां आपका पैसा का सदुपयोग हो ऐसे मठ मंदिर आश्रम आदियों में दान दे दो। जितना आप कमाए उसमें से 10% तो कम से कम देने की मन रखो, तब वह जो दान दिया हुआ 10% है वो आपको इस जन्म में भी आनंद देगा और आपका शरीर त्याग करने के बाद भी आपको धर्म के रूप में वो आनंद देगा। यानी कांचन की जो वासना आप में बैठी है, जो उसके ऊपर आकर्षण आप में बैठा था, वह कांचनम की आकर्षणा को परिवर्तन करने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। उसको छोड़ना नहीं हुआ तो आप संग्रह किया प्रत्येक पैसा वो दान धर्मादियों में रख दीजिए, आपो आप उससे संरक्षण हो जाएंगे। यानी जीवन में आनंदित रहने के लिए पैसे को छोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। पैसे को छोड़ो तो हमें क्या होगा? कोई भी कार्य करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि पैसा को छोड़ दो, पैसा का ऊपर जो आपकी मोह था उसे छोड़ दो। मन में पैसा के लिए जगह मत बनाओ, आप पैसा के लिए कुछ जगह बनाओ और उससे धर्म कार्य बनाओ, दान कार्य दे दो, इत्यादि करने से आपकी पैसा आपको आनंद प्रदान करेगा। पुण्य कार्य करने से ही आपका पैसा आनंद प्रदान करेगा। आनंद चाहिए जीवन में तो कामिनी कांचन की लालसा को छोड़ना चाहिए व्यक्ति, तब वह व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है। आगे जाकर के कीर्ति के बारे में बता रहे हैं। कीर्ति, ये कीर्ति जो है यानी नाम कमाना, ये बहुत बड़ा एक माया है। मनुष्य कीर्ति के लिए क्या कुछ नहीं करता है। जिसके पास कामिनी है, जिसके पास कांचन भी भरपूर है, वह व्यक्ति आगे का जो ककार है यानी कीर्ति, इसके लिए प्रयास करने लगता है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसे के पीछे भागता है, जिनके पास व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति के पीछे भागता है, जिनके पास व्यक्ति और पैसा भी भरपूर है वो तीसरा जो है कीर्ति, इसके पीछे भागने लगता है। उसके लिए कोई अधिकार मांगता है या कोई स्थान पदवी को प्राप्त करने की या अपना श्रेष्ठत्व को दिखा करके सबके साथ वाह 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 वाह, इस वाह वाह के लिए, इस गुणगान के लिए उन्होंने हर एक क्षण व्यतीत करता है। तो ऐसा कीर्ति जो है ये भी आपको सदैव सुख प्रदान करने वाला नहीं है, ये भी क्षण के ही। आज आप महान होंगे मगर कुछ वर्षों के बाद आपका ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञानी आ सकता है। आज आप श्रेष्ठवान व्यक्ति न श्रेष्ठ वक्ता होगा मगर आज के बाद कल आपसे भी बढ़िया बोलने वाले आ सकते हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगते होंगे मगर आपसे भी अच्छा गुण वाले, आपसे भी अच्छा रूप वाले, आपसे भी अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति आगे आ सकता है। क्यों नहीं आया है? पीछे तो बहुत सारे लोग श्रेष्ठ थे, उनसे भी श्रेष्ठ आज आप लोग हैं, आपसे भी श्रेष्ठ कल आने वाले हैं। ये आप श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये जो कीर्ति है ना, ये हमेशा आपको आनंद से भी ज्यादा दुख टेंशन ही ज्यादा देता है। इसलिए सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति लोगों को हमेशा एक चिंता लगी रहती है, वह क्या है? कभी कहीं पे भी हमें असम्मान नहीं हो, हमें अवमान नहीं हो, यही चिंता रहती। कोई हमें देख करके हंसे नहीं, कोई हमें देख करके नहीं हंसना चाहिए, हमारे बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए करके
हर एक क्षण में वो भय से रहता है, क्योंकि उनको हमेशा सम्मान की अपेक्षा रहता है। मगर पंडित विद्वान ज्ञानी जो वैरागी सच में जो व्यक्ति है, वो सम्मान को जितना श्रेष्ठ स्थान दिया है, वो असम्मान यानी अवमान को भी उतना ही श्रेष्ठ सम्मान देता है। यानी उनके लिए सम्मान अवमान दोनों समान है। वो सम्मान किए तो भी शिवार्पणमस्तु बोलते हैं, वो असम्मान किए तो भी शिवार्पणमस्तु ही बोलता है। भगवत अर्पण करने की बड़ा मन अपने अंदर रहना चाहिए। ये तीन चीजें मनुष्य की जीवन को सर्वनाश करता है, कामिनी कांचनम कीर्ति, तीनों भी क कार के ऊपर ही आता है। देखिए चलिए, कष्ट भी इन तीनों के वजह से ही हमें मिलता है। ये कष्ट आपको नहीं चाहिए तो कामिनी कांचन और कीर्ति के ऊपर से मोह को हटाइए और धर्म की संग्रह करने में अपना जीवन को व्यथित करें, तब हमारा जीवन जो है इन तीनों ककारों से भी उठ करके जो कल्याण रूपी ककार है, कल्याण ये भी ककार से ही आता है, तब हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। काशीपीठ के माध्यम से काशी जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वाद के कारण से हम सब लोग आज बहुत बड़ा भाग्यवान है। हमारे लिए ऐसी जीवन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हो रहे हैं। पहले कोरोना आने से पहले हमें काशी को जाना पड़ता था, उन उन कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता था, बहुत कुछ अर्थव्यय समय व्यय और आरोग्य व्ययादियों को करके उन उन कार्यक्रमों का आनंद लाभ हमें मिलता था। मगर प्रकृति की इस विकृति के समय में करुणा मूर्ति विद्या वाचस्पति पुंभाव सरस्वती सचल विश्वनाथ रूपी जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के विशाल हृदय को आप थोड़ा सा विचार कीजिए। भक्तगण घर में बैठे हैं, भक्तगण धार्मिक परंपरा की मान सम्मान रखने वाला धर्माभिमानी लोग, जो निष्ठावंत गुरु भक्त है, जो निष्ठावंत वीर शैव लिंगायत धर्मीय लोग है, उतना ही नहीं सभी मानवों को श्रेष्ठ धर्म की प्रचार प्रसार उसकी लाभ मिलना चाहिए करके सभी चरमूर्तियों को जागृत करके आप अपना शिष्यों को, आप अपना भक्तों को धर्म मार्गदर्शन कीजिए करके ऐसी ज्ञान महाकुंभ की कार्यक्रम की रचना की है। इसके लिए किसी का कोई पैसा नहीं खर्च होता है, किसी का कोई आरोग्य की नष्टता भी नहीं है, सब अपने अपने घर में बैठ करके सद्गोष्ठी सद विचार सद प्रवर्तना को बढ़ाने की श्रेष्ठतम कार्य जो है आज काशीपीठ के माध्यम से ही हमें उपलब्ध हो रही है। मनुष्य के जीवन में आनंद की मूल कारण भूत ज्ञान ही है, वह ज्ञान सिंहासन ही हमें प्राप्त करके दे रही है, वो भी हमें घर बैठे बैठे। इतना बड़ा आनंद और क्या हो सकता है, गुरु की करुणा दृष्टि ऐसा रहता है। ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम बहुत सारे अनुभवी शिवाचार्य पंडित विद्वान लोगों की मार्गदर्शन हमें मिल रही। उतना ही नहीं काशीपीठ के माध्यम से अंतरजाली के बहुत बड़ा क्रांति हो रही है।
क्योंकि अभी तक ऐसी सुविधा हमें कभी भी नहीं उपलब्ध हुआ था जो इन दोनों वर्षों से हो रहा है। दो वर्षों से जब वीरशैव कुंभ मेला यानी श्री विश्वाराध्य गुरुकुल का शतमानोत्सव हुआ था, तब इस देश का पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर मोदी जी के हस्तों से वीरशैव धर्म की ग्रंथ जो श्री सिद्धांत शिखामणि, उसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ई बुक की उद्घाटन किया था 19 भाषाओं में। उस कार्यक्रम से लेकर के आज की ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम तक इतना अद्भुत अद्भुत कार्यक्रम संपन्न हुआ है अंतर्जालीय इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से। आजकल युवा मंडली सभी लोग मोबाइल को अच्छा से भी ज्यादा बुरा से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे हर रोज हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, पत्रिकाओं में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी इन यंत्रणाओं को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये भी विवेक नहीं रहा है। मगर जगत गुरु जी के विचार आप लोग विचार कीजिए, महास्वामी जी के दृष्टिकोण कैसा रहता है। जहां बुरा है वहां अच्छाइयों को बढ़ाना है करके महास्वामी जी अंतर्जालीय माध्यम से ही हमें सन्मार्ग को दिखाना है करके निर्णय ले लिए है। और सभी को संस्कार आना चाहिए करके संस्कार शिविरों को भी प्रारंभ किए हैं। ऑनलाइन श्री रुद्र प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से वीरशैव का उत्तम मूल कर्तव्य जो है वह शिवलिंग पूजा, इष्टलिंगाराधना। वीरशैव यानी एक ही बात में बोलना है तो अत्यंत श्रेष्ठ मन परम प्रेम भक्ति रूप से जो इष्टलिंग की आराधना करते हैं वही वीरशैव। धर्मो लिंगार्चनात्मक, एक ही बात में वीरशैव यानी कौन है बोले तो लिंगार्चनात्मक जो भक्त है, लिंग को देह में धारण करता है, लिंग को सप्रमाण प्राण की समान प्रेम करता है वही वीरशैव है। उनके लिए शिव पूजा अत्यंत मुख्य कर्तव्य है। उसी को समझ करके जगत गुरु महास्वामी जी ने इष्टलिंग की पूजा विधि यानी वेद आगम पद्धतियों से इष्टलिंग आराधना सभी लोग करना चाहिए करके श्री रुद्र प्रशिक्षण ऑनलाइन शिविर को प्रारंभ करवाए हैं। यानी सुस्वरयुक्त वेद की जो सार है श्री रुद्र, उसे सीखना चाहिए सभी लोग। जो शिव भक्त है वे सभी लोग सीखना चाहिए, इसमें तारतम्य भेद को नहीं देखते हुए श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रमाण वाक्य को लेकर के पंचाक्षरी मंत्र का जप और श्री रुद्रादियों की जप होना ही चाहिए हर एक वीरशैव के दैनंदिन सदाचार में। इसलिए सभी को सीखना चाहिए करके इतना बहुत बड़ा वरदान हमें प्राप्त करके दिया है। इस ऑनलाइन श्री रुद्र की शिविर में बहुत सारे डॉक्टर लोग, एडवोकेट लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षक, विदेश के लोग भी आकर के सीख रहे हैं। हमारे विद्वान पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री, इन्होंने जंगमवाड़ी मठ में रहते हुए साक्षात वहां के श्री जगतगुरु विश्वाराध्य जी की नित्य सेवा में रहते हुए कितने सुंदर से सुंदर ढंग से पढ़ा रहे हैं, कितना स्वरयुक्त पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बच्चे भी स्वरयुक्त वेद पढ़ रहे हैं, स्वरयुक्त रुद्र को पढ़ सकते हैं। कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इतना ही नहीं देश के ही नहीं विदेशों से भी लोग आकर के लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग कंठस्थ भी कर रहे हैं। उन्हें षोडशोपचार पूजा यहाँ क्या है और लिंग की पूजा कैसी करना चाहिए, किन किन मंत्रों से हम करना चाहिए, कैसी भावना से करना चाहिए, ये सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से मिल रही है। उतना ही नहीं,
हमारे विद्वान पंडित वेदमूर्ति संगय शास्त्री जी, वे भी बहुत ही विशिष्ट रूप से बड़े बड़े वृद्ध लोगों से लेकर के बालक वेद विद्यार्थियों तक हर एक स्त्री को पुरुष को सभी लोगों को सुंदर ढंग से उन्होंने भी श्री रुद्र की प्रशिक्षण दे रहे हैं, सुंदर रूप से उनको सुस्वरयुक्त मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। ये सामान्य विषय नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से स्वरयुक्त रुद्र सीखाना, प्रत्यक्ष रूप से ही पढ़ नहीं पाते हैं लोग, बहुत कठोर होता है, मगर वे लोग इतना श्रम कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। जगतगुरु महास्वामी जी जो कुछ भी विचार करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं, हमें भी इसमें सेवा करने के लिए एक मौका मिल रही करके आनंद से वे लोग कर रहे हैं, और उस सेवा की विशिष्ट फल भी महास्वामी जी के आशीर्वाद से मिल रही है। सेवा जो व्यक्ति मन से करता है उनको मेवा हमेशा मिलता है, उसको विचार करने का जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे इस सभी ऑनलाइन की व्यवस्था करने वाले जो चौक वाले दंपति हैं, वे तो इतना व्यस्त रहते हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने ड्यूटियों में, फिर भी सुभाष जी और श्रद्धा अम्मा बहुत ही निस्वार्थ से काशी महास्वामी जी का आज्ञा ही हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है करके वे लोग भी निरंतर हर एक व्यक्ति को संपर्क करके निस्वार्थ रूप से सेवा संपन्न कर रहे, तभी ये सब कार्यक्रम अखंडित रूप से हो पा रहे हैं। और ऐसी कार्यक्रमों में सेवा करने की एक श्रेष्ठ अवकाश स्वयं हमें भी प्राप्त हुआ है, ये हमारे जीवन में कभी भी अविस्मरणीय अमृत क्षण है। ये सब बहुत बड़ा अनुभव हमें ला करके दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की संपर्क हमें मिल रही है, बहुत बड़े अनुभवी महाराज लोगों की दर्शन और उनसे बोलने की एक मौका हमें भी मिल रही है, बहुत बड़े जिज्ञासु लोगों की परिचय हो रही है। सही में जिज्ञासु लोगों के कारण से ही, साधक लोगों के कारण से ही समाज में उन्नति होती है, ऐसे लोगों को धर्म मार्गदर्शन करने की एक मोटा, एक श्रेष्ठ मौका जो है, अवकाश जो है, महास्वामी जी के दिव्य मंगल आशीर्वाद से हमें मिली है, इसे सदुपयोग कर लेने चाहिए, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं महास्वामी जी से। ऐसी बुद्धि, ऐसी कार्य करने की ज्ञान हमेशा आप हमें प्रदान करते रहिए। सभी लोगों को पुनश्च एक बार हम यही कहना चाहते हैं, हमें जो कुछ भी वरदान काशीपीठ के तरफ से अनेक अंतरजालीय कार्यक्रमों के माध्यम से मिल रही है, वो ऑनलाइन की श्री रुद्र प्रशिक्षण हो या ऑनलाइन के माध्यम से होने वाले ये धर्म जागृति कार्यक्रम यानी ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम हो, उतना ही नहीं और एक विशेष कार्यक्रम है, हमारे गणेश शास्त्री जी बहुत बड़ा विद्वान है ज्योतिष शास्त्र में, गणेश शास्त्री जी भी हैदराबाद में रह करके ही देश विदेश में सभी लोगों को ज्योतिष की क्लास पढ़ा रहे हैं, जिस किसी को भी सीखना है तो वे लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को ज्ञान प्रदान करने के लिए ही सभी कार्यक्रम चल रहे, यानी गणेश शास्त्री जी किसी का भी कोई भी प्रश्न होगा वो हर रविवार उत्तर दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, ज्योतिष विद्या पढ़ा रहे हैं। सब लोग अपने पास जो कुछ भी ज्ञान है सबको देने के लिए बैठे हैं, लेने वाला ही इधर तो कम पड़ रहे हैं, यानी कहते हैं शास्त्रोक्ति है यह, अन्नदानम महादानम, सभी दानों से भी अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान है,
और आगे जाकर के कह रहे हैं अन्नदान से कोई बड़ा दान है क्या? बोले तो हो है, अन्नदानम महादानम विद्यादान मत परम, विद्यादान उससे भी बड़ा है कह रहे हैं ज्ञानदान। अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवंत विद्या, क्यों जी क्यों बड़ा दान है? अन्नदान से भी श्रेष्ठ दान विद्यादान कैसे हो सकते हैं? बोले तो अन्नदान करने से क्षणिक सुख हो सकता है उन्हें, अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षण भर तृप्ति हो सकता है व्यक्ति, एक दो घंटे के बाद उन्हें फिर भूख लगता है, उनको फिर वो तृप्ति भावना चले जाता है, मगर वह तृप्ति भावना यावत जीव रहे, जब तक जीते हैं तब तक यदि वह तृप्ति भावना रहे तो अन्नदान से नहीं मिलेगा, वह विद्या दान से ही मिलेगा। इसलिए विद्या जिसके पास रहता है वह व्यक्ति हमेशा आनंद से रह सकता है। इसलिए दान करना है तो अन्नदान भी करें और उससे भी श्रेष्ठ जो है विद्यादान भी करना चाहिए। हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री, गणेश शास्त्री जी और हमारे संगय शास्त्री जी, उतना ही नहीं संस्कृत संवाद शिविर भी हमारे काशीपीठ के तरफ से जगतगुरु महास्वामी जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। तिरुपला तिरुपति देवस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जो मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर जी हैं, वह भी खुद आकर के यहाँ संस्कृत संवाद हमें सिखा दे रहे हैं। ज्ञान बहुत रीति से काशीपीठ के माध्यम से विश्वाराध्य गुरुकुल के ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर से सब जगह ज्ञानदान बंद हो गया, मगर ज्ञान सिंहासन के द्वारा कभी बंद नहीं हुआ है। लेने वाले हर एक भाषा में हर एक माध्यम से ले सकते हैं, ऐसी सुविधा अंतरजालीय इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। और किसी को विद्या सीखे या ना सीखे मगर ज्ञानार्जन होना चाहिए करके ऐसे चातुर्मास के निमित्त पर हमारे शास्त्र ग्रंथों में बताया गया रहस्यों को, साधना रहस्यों को, शिवयोग विद्या को प्रदान करने के लिए महास्वामी जी ने ज्ञान महाकुंभ जो है प्रारंभ करके दिया। ऐसी लोक कल्याण कार्यक्रम कहना चाहिए इसको, यहां सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं, जो व्यक्ति ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं वे सब अपना ही लोग हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी जाति का हो कोई भी हो, सभी के लिए ज्ञान प्रदान ज्ञान जिज्ञासा यदि उनके मन में है तो उनके लिए यह कार्यक्रम जो है ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम हमेशा हमेशा उपयोग होता है। ऐसे श्रेष्ठतम विश्व कल्याण कार्यक्रम को महास्वामी जी ने वरदान के रूप से हमारे लिए दिए हैं। हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ा हमारी जीवन की उन्नति कर सकती है, ऐसी कार्यक्रम में निरंतर सेवा समर्पण कर रहे हैं सुभाष जी, श्रद्धा जी, चौक वाले दंपतियों को आयुर आरोग्य सुख भोग भाग्य सभी प्राप्त हो और हमेशा निरंतर ऐसे कार्यक्रम में सेवा समर्पण होते रहे उनसे, और हमारे सभी शास्त्री जी लोगों को भी मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो और खुद हमारे लिए भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे सभी श्रोत्रारवों को और ऐसी बहुत बड़ा लाभ को लेते हुए जो साधक मंडली है, जो भक्तगण है, जो शिष्यगण है, उन सभी को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी श्री जगद्गुरु महासन्निधि के दिव्य पावन चरणों में और काशी काल भैरव अन्नपूर्णा विश्वनाथ गंगा समेत परमात्मा की दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हुए हमारे इन वाक पुष्पों को श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य जी के दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सांब जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। परमात्मा की प्रार्थना से इस कार्यक्रम को हम पूर्ण विराम देंगे। कल विशेष अनुभवज्ञ पंडित स्वामी जी के प्रवचनों को प्रारंभ होगा और कल एक कार्यक्रम में रहने के कारण हम नहीं आ पाए हैं, उस कार्यक्रम में प्रवचन चल रहा था तेलंगाना प्रांत में, इसलिए सुभाष जी ने बहुत सुंदर रूप से
कार्यक्रम को चलाया है सभा संचालन के रूप में, और सभी लोग भक्ति श्रद्धा से प्रार्थना में सहभागी हो। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु।